थोड़ी देर के लिए हम मेडिटेशन के प्रोसेस में अंतस की यात्रा में जीवन यात्रा में उतर चले। अंतस ध्यान मेडिटेशन इज जस्ट ए नॉन डूइंग स्टेट, कछु करना नहीं, जागे जागे रहना भीतर की ओर। बहुत किया है आपने, अब थोड़ा उसको करने देना, मालिक को अवसर देना। बहुत किया आपने, अब थोड़ा मौन पूर्वक भीतर की राह पर जागे जागे इंतजार के पल पर रोना। इंतजार ही इबादत है, प्रतीक्षा ही एकमात्र प्रार्थना है। सुरती जागरण स्टेट ऑफ अवेयरनेस, अवेकन स्टेट एकमात्र संपदा है तेरी। बाहर की दोनों पल के मुद्दे ही आप अपनी बाहर बहती 80% 80% एनर्जी को भीतर की ओर प्रवाहित कर देते हैं। आपका सारा ध्यान सारी सुरती भीतर की ओर स्वतः ही प्रवाहित होने लगती है। आप देखने लगते हैं, ये देखना स्वाभाविक है, ये देखना वेरी नेचुरल, ये देखना एकमात्र हम सबका स्वभाव है। बिना कछु किए जागे जागे वही देखते रहना जो स्वतः हो रहा है, जो अपने आप हो रहा है। इस वाइब्रेशन के दौर में तुम द्वार अपना भीतर का थोड़ा जगमगाए रखना, केवल देखना। आज तक तूने मन को लगाया, लगा नहीं, हम ही मन के साथ लगे रहे, वो तो लगा ही नहीं। अब मन को ना लगाना है ना मन के साथ लगना है, अपने भीतर की हर एक स्थिति को जाके जाके देखना है, केवल देखना है। निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखते रहना। यू आर ए न्यूट्रल एनर्जी, यू आर ए नॉन डुअल एंटिटी इन योर ट्रू नेचर, यू सिंपली वॉच, माइंड इज ए डुअर, यू आर ए नॉन डुअल एंटिटी। मन अपने स्वभाव में है, निरंतर कुछ ना कुछ कर रहा है। भीतर का अंधेरा सन्नाटा, विचारों की गति, विचारों की भीड़, विचारों की आवाजाही, क्या शुभ क्या अशुभ, क्या अच्छे क्या बुरे, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव थॉट्स, जो तूने बाहर से बोरो किए हैं, बाहर से तूने भीतर भरे हैं, वो सब विदा होने चाहिए। जो जो व्यर्थ है वो सब रूपांतरित होने चाहिए। वो सभी अंधेरा बनकर के जो भीतर छाए हैं, उन सब के प्रति जागे जागे देखते रहना। जागे जागे अपना अनुभव लेना, अब अभ्यास नहीं अनुभव की ओर आना। बहुत किया है तूने, किंतु सब माइंड के हाथ लग गया, तेरे हाथ कुछ ना लगा। करना मन का स्वभाव है, तेरा नहीं, तेरा स्वभाव है देखना, निष्पक्ष निरपेक्ष होके देखना।
यही एकमात्र दिशा आपके ऊपर उतर रही है। आपने बहुत देखा बार बार की आंखों का तूने बहुत बहुत इस्तेमाल किया और भटकाव ही भटकाव हाथ लगा, बड़े शिखर तेरे हाथ लगे, किंतु सब शिखरों पे तुझे ना संतुष्टि मिली, ना तृप्ति मिली, ना मस्ती मिली, ना स्वास्थ्य मिला। उसके फल स्वरूप नेगेटिविटी के शिकार होती गई। शिखरों को खड़ा करना, शिखरों का निर्माण करना बहुत जरूरी है। ये पॉजिटिव स्टेट है तेरे माइंड की, किंतु साथ साथ में जो नेगेटिव स्टेट उतरी, जो नेगेटिव पहलू उतरा, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, माइग्रेन, एंग्जाइटी, पैनिक स्टेट, हाई बीपी, बीपी हाई एक पल में होता है, विल पावर, बहुत कमी, तेरे सारी की सारी क्वालिटीज लूट लिया माइंड के शिखरों ने। ये जो तमाम नेगेटिविटीज आई, इसको काटने के लिए अंतर्मुखता सुरती का शस्त्र उठाना, तो मेडिटेशन का कटार उठाना। अगर तेरे पास ये दिशा हो तो दुनिया के तमाम शिखरों के ऊपर भी तेरी शांति, मस्ती, आनंद, सुख, चैन, स्वास्थ्य, प्रेम, ये तमाम क्वालिटीज जगमगा उठेगी। अगर तूने भीतर के शिखर को साथ रखा, लगातार जागी रहना, पल पल जागी रहना, भीतर सब चारों ओर माइंड ही माइंड है, जो नहीं होना चाहिए था बाहर की ओर होना चाहिए था, भीतर नहीं होना चाहिए था, भीतर तो तू स्वयं होना चाहिए था, कि तू तेरा तो नामो निशान नहीं भीतर, तेरा तो अता पता ही नहीं कि तू कहाँ है, जरा देख तो सही, तेरा तो देखना भी कितना खंडित हो रहा है, तेरा देखना बार बार मन के हाथ लग रहा है, बार बार भूल जाता है तू अपने स्वभाव को, आदतवश ऐसा होता है, क्योंकि मालूम नहीं इस दिशा का। खाली बैठ करके भीतर को खाली करना क्या मुश्किल है, क्या कठिन है। खाली बैठ करके अपने माइंड को देखना, अपनी सुरती जगमगाना, परम संपदा जगमगाना, ये खाली बैठना नहीं है, ये भरपूर बैठना है। ये कमाई जिंदगी में जिसके हाथ लगी, वही एकमात्र शिखर इस धरती का हो सका, वही एकमात्र आबाद हुआ, वही देने लायक हुआ दुनिया को। थोड़ी आंख भीतर रखना, अपने भीतर की हर स्थिति को, हालात को देखते रहना, भले अंधेरा ही नहीं, आप अंधेरों को ही देखते रहना, और अगर प्यास उमड़े, प्रेम उमड़े, प्रभु का कोई भी साकार रूप उतरे भीतर, मालिक का जहां जहां तेरी श्रद्धा है, भाव है, वो अपने आप उतरता चला आए, न कि कल्पना की जाए। काल्पनिक स्थिति में आपको आनंद नहीं आएगा, आप कितनी भी कल्पना करेंगे वो सब माइंड का खेल हो जाएगा। अपनी ओर से कल्पना नहीं करना, वो तो स्वतः ही तेरे भीतर उतरता चला आता है, प्रकट होता है, तेरे भीतर ही तो है। अगर उसके प्रति प्रेम, प्यास, दर्द, दीवानगी का आलम जगमगाए, उसके लिए दर्द उठे, प्यास उठे, तो उसमें डूब जाना, फिर देखना नहीं कोई सूरत मूरत उसकी, देखना नहीं, उसमें डूब जाना, डूब करके डिवाइन हो जाओगे, डूब करके डिवाइन होके आओगे, डूबोगे तो गहराई छुओगे, गॉडली होके आओगे, तो मालिक होकर के लौटोगे। ये रूपांतरण, ये क्रांति, ये ट्रांसफॉर्मेशन एक बार
जीवन है। इस विज्ञान को, परम विज्ञान को, जीवन जिंदगी की इस संपदा को तुम अधिक से अधिक महत्व देना। ये तुम्हारी बैकबोन में है, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में है। ये नॉलेज ऑफ नॉलेज, ये बाहर किताबों में नहीं, किताबों में इशारे हैं, किताबें तुम्हारे लिए सहायक हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, किंतु उन्हीं के साथ तोते नहीं बन जाना, उनके इशारों में उतरना और खुद अनुभव कर लेना कि उनके इशारे कितने गजब के हैं। इशारों में उतरना मानो ईश्वर में उतरना है। उनके बताई हुई दिशा में उतरना तो स्वयं दर्शन के लायक हो जाओगी। नई सुबह की नई किरण, नई सुबह की नई किरण, नई सुबह की नई किरण। चलो रे पंछी पार गगन, चलो रे मनुआ पार गगन, बिखरा करगी किरण किरण, बुला रहा है विराट वन, बुला रहा है विराट वन। परम घटना है, नहीं देव न देह का भान, ना तो दुनिया का है ध्यान, ना तो दुनिया का है ध्यान, नहीं देव न देह का भान, ना तो दुनिया का है ध्यान, ना तो दुनिया का है ध्यान। आओ प्रभु भी खो जाए, ओ माय माइंड, ओ मेरे मनवा, आओ प्रभु भी खो जाए, हो जाए हम एक समान, हो जाए हम एक समान, महामिलन की लगी लगन, महामिलन की लगी लगन। आओ कर ली प्रभु मिलन, कर ली प्रभु मिलन,
महामिलन की लगी लगी। आओ कर ली प्रभु मिलन, आओ कर ली प्रभु मिलन। नई सुबह की नई किरण, दूर जगत से बहुत ही दूर अपना वतन निराला है, अपना वतन निराला है। दूर जगत से बहुत ही दूर अपना वतन निराला है, अपना वतन निराला। हे अनंत अज्ञात यहाँ, हे अनंत अज्ञात यहाँ, फैला दिव्य उजाला है, फैला दिव्य उजाला। प्यास बुझी सुख मिला सघन, प्यास बुझी सुख मिला सघन। आओ आओ कर ली प्रभु मिलन, आओ कर ली प्रभु, आओ कर ली प्रभु मिलन। मन ही मन में मुलाकाती हो रही है मीठी बातें, हो रही है मीठी बातें। विराग की स्टेट, प्यास तरह दीवानगी की सेवत प्रवत स्थिति, संवाद में उतरी, बातचीत में उतरी, कम्युनिकेशन हो रहा है, टेलीपैथी चल रही है, भीतरी भीत है। अपने प्रीतम से, अपने प्यारे से बातचीत होती है, संवाद होता है, डीप मेडिटेशन है यहां, इसी में खोया हुआ जी रहा। कितनी निकटता, कितनी समीपता फिर होता है, क्या गजब का स्नान होता है, क्या गजब संवाद उठता है।
ऐसा दर्द उठता है कि गंगा यमुना बह उठती है, सागर छलक जाते हैं नजरों के पीछे। ऐसा विराह विराट होकर के उतरता है दीवाने प्यासों की धरा पर। संवाद चलता भीतर भीतर, अश्रु बहते बाहर बाहर, सागर छलक उठते वजू होती बाहर के पानी से नहीं। अश्रु जल से मनी मनी मुलाकाती मनी मनी मुलाकाती हो रही है मीठी बातें, हो रही है मीठी बात। परम ज्योति से ज्योति की परम ज्योति से ज्योति की नेहा भरी ये बरसाते, नेहा भरी ये बरसाते बरसाए बरस रहा है सुख सावन। बरस रहा है सुख सावन, आओ कर ली प्रभु मिलन, आओ कर ली प्रभु मिलन। बरस रहा है सुख सावन, आओ कर ली प्रभु मिलन, आओ कर ली प्रभु मिलन। नई सुबह की नई किरण, नई सुबह की नई किरण।
विश्राम परम शांति पाए विश्राम संकल्पों को मिला विराम संकल्पों को मिला अनलाइटन स्टेट प्रकाशमान स्थिति का इस परम घटना का यही राग रस है यही रंग है यही एकमात्र चिन्ह है निशानी यही एक मार पहचान है परम शांति पाए विश्राम संकल्पों को मिला विराम संकल्पों को मिला परमानंद समाया है परमानंद समाया है कितना प्यारा डकशाई धाम कितना प्यारा आत्म था परमानंद समाया है कितना प्यारा हृदय था कितना प्यारा दक्षाई था अंतर मन बना उपवन अंतर मन बन गया सुमन आओ कर ली प्रभु मिलन आओ करली प्रभु मिलन आओ करली प्रभु मिलन अंतर मन बना उपवन आओ करली प्रभु मिलन आओ करली प्रभु मिलन आओ करली प्रभु आओ कर ली